अस्सलाम तो भाई गाइस क्या हाल चाल है, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉटल नेक के बारे में। बॉटल नेक क्या होता है, बॉटल नेक कैसे होता है और बॉटल नेक का सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉटल नेक होता क्या है। बॉटल नेक जैसे कि आपका नाम से पता चल रहा होगा, बॉटल और उसकी नेक, बॉटल नेक। अब जो बॉटल है विदाउट नेक उसके अंदर से तो पानी आराम से पास हो जाएगा, लेकिन जो जब उसकी नेक बन जाएगी एक बॉटल नेक वो हो जाएगा, उसके बाद उसके अंदर से बहुत ही आहिस्ता जो है पानी का फ्लो बनेगा। तो अब बॉटल नेक असल में होता क्या है। हमारे पीसी के अंदर तीन मेन चीज़ें होती हैं जो कि मिल के हम लोगों को परफॉर्मेंस देती हैं। नंबर वन के ऊपर आती है रैम, नंबर टू के ऊपर आता है हमारा प्रोसेसर और नंबर थ्री के ऊपर आता है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। अब बॉटल नेक क्या होता है और हमारा पीसी बॉटल नेक होता किस तरह। आप लोगों ने सुना होगा कि यार कई लोग कह रहे होते हैं गेमर्स कि हमारा पीसी बॉटल नेक कर रहा है, बॉटल नेक कर रहा है। अब सपोज कि आप लोगों ने एक इंटेल पेंटियम का ले लिया आप लोगों ने सीपीयू, उसके साथ आप लोगों ने रैम भी लगा ली है, अच्छी ठीक है उसके साथ लग गई। लेकिन जो एक चीज़ है जो कि मेन मसला कर रही है, आपने उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड को बहुत ही ज़्यादा हाई फाई लगा दिया है, जिस तरह RTX 2060 या फिर GTX 1050 Ti या फिर और भी, तो आपको वो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। जो हमारा प्रोसेसर है वो रोकेगा, वो नहीं उसको इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस देने देगा। अब जिस तरह आप लोगों ने कोई बजट पीसी बिल्ड किया है Ryzen 3 या फिर और कुछ, तो Ryzen 3 के साथ आप लोग यूज़ कर सकते हैं GTX 1060 Ti या फिर आप RTX की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपने कोई मतलब जिस तरह आप प्रोसेसर लिया है, असल में हम लोगों को बॉटल नेक को रोकना किस तरह है, बॉटल नेक को रोकने के लिए आप लोगों को थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च करने के लिए आप गूगल पे भी कर सकते हैं और मुझे भी कोई ना कोई कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं जिस भी बारे में आप रिसर्च करना चाहें। अब असल में हम लोग को बॉटल नेक को रोकना किस तरह है। अब आप लोगों ने सबसे पहले ना अपने पीसी को बैलेंस करना है, और हम लोगों ने बैलेंस किस तरह करना है, बैलेंस करने के लिए आपको एक स्टेबल ग्राफिक्स कार्ड चाहिए जो, और उसके साथ एक प्रोसेसर चाहिए और रैम जो कि मिलके अच्छी परफॉर्मेंस दें, मतलब वो मिलके एक बैलेंस परफॉर्मेंस दें, वो कोई चीज़ ज़्यादा या कम ना हो। अब सबसे पहले आप लोग डायग्राम देखें, इसके डायग्राम देखने के बाद चलें अब आप समझें कि आपने एक प्रोसेसर ले लिया है इंटेल i3 का, आपने प्रोसेसर ले लिया और उसके साथ आपने 8GB की रैम लगा ली जो कि दोनों मिलके अच्छी परफॉर्मेंस, तो वो दोनों तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो उसके मुनाजत से ठीक है। लेकिन आपने उसके साथ जो ग्राफिक्स कार्ड लगा दी वो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हाई फाई RX 7 का या फिर RTX का ग्राफिक कार्ड लगा दिया, तो आप लोगों को वो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, आपका ग्राफिक्स कार्ड आपका परफॉर्मेंस नहीं देने वाला। और असल में बॉटलनेक इसको कहते हैं कि आपके पीसी के अंदर कोई एक कंपोनेंट रैम, ग्राफिक्स कार्ड या फिर सीपीयू आपके मैक्सिमम परफॉर्मेंस को लिमिट कर रही है। जिस तरह मतलब आपको मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों ने दो चीज़ें अच्छी रखी हैं, मतलब लेकिन एक चीज़ आपने बेकार, मतलब एक चीज़ आपने किसी काम की नहीं रखी, तो आप वो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं देखने वाली, आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, आपका परफॉर्मेंस जो है वो लिमिट करेगी, और आप लोगों को वो वाली परफॉर्मेंस बिल्कुल भी देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप दूसरे कंपोनेंट्स को आप लोग बिल्कुल ठीक रखेंगे, लेकिन जो एक कंपोनेंट है वो आप थोड़ा बहुत स्लो रख देंगे तो आप लोगों को परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं देखने वाली। फॉर एग्जांपल कि आपने एक इंटेल पेंटियम का G4500 जैसा सीपीयू ले लिया है, उसके साथ में ग्राफिक्स कार्ड 1660 Ti या फिर 1050 Ti या फिर आप लोगों ने उसके साथ RTX 2060 रख लिया, तो आप लोग उसको बिल्कुल भी नहीं परफॉर्मेंस देने वाली। तो इसको हम लोगों ने बैलेंस करने के लिए असल में करना क्या है, तो आप लोगों ने गूगल पर रिसर्च कर लेनी है या फिर मेरे से भी पूछ सकते हैं कि अगर हम लोग ये सीपीयू ले रहे हैं तो उसके साथ हम लोगों को कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लगेगा या फिर कौन सा हम लोग को यहाँ पे जो है रैम यूज़ करनी चाहिए, कितने गीगाबाइट्स की रैम होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि GPU हमारा बहुत ज़्यादा आप लगा लें, तो इस तरह भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपने जो है R7 का आपने जो है ले लिया है अपने प्रोसेसर, मतलब Ryzen 7 का, उसके साथ आपने जो है ग्राफिक्स कार्ड भी RTX 2060 का लगा लिया फिर और कोई बड़ा ग्राफिक्स कार्ड, लेकिन आपने उसके साथ जो रैम है वो आपने बहुत ज़्यादा कम रखी है, तब भी आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहीं तक की हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों को किसी भी और टॉपिक में इंटरेस्ट है या उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को वीडियो बिल्कुल देखने को मिलेगी, आपने बस मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, और प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा दो यार। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।